हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरएफटेक का स्वागत है। दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं शिकारी पारा महाविद्यालय का जो है कॉलेज फी उसके बारे में। जिससे कि दोस्तों यूजी सेमेस्टर 2 का जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है और लास्ट डेट जो है 5 मार्च है। तो मुझे दोस्तों आज एक स्टूडेंट ने मुझे एक नोटिस भेजा है शिकारी पारा महाविद्यालय का, जिसमें कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के साथ उसका जो डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी जमा होगा उसके साथ जो है 1300 रुपये का जो कॉलेज का ड्यू फी है वो जो है ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करने के करके जो है उसका भी हार्ड कॉपी साथ में लगाने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों तो मुझे आज एक स्टूडेंट ने भेजा, तो मुझे पता चला कि इस कॉलेज में जो ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है, तो ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस क्या है, कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों तो अगर आपके कॉलेज में भी ऐसा एसकेएमयू के अंदर में आपके कॉलेज में भी अगर ऐसा कोई कॉलेज है जहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट लिया जाता है और मैंने अभी तक वीडियो उस पर नहीं बनाया है, तो आप लोग जरूर मुझे नोटिस भेजें और बताएं, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मुझे पता नहीं था इस कॉलेज के बारे में कि ऑनलाइन पेमेंट लिया जा रहा है। तो एक स्टूडेंट ने बताया तो मुझे पता चला। तो इसी तरह से अगर आपका कोई भी कॉलेज हो तो आप जरूर कमेंट करें, मैसेज करें टेलीग्राम पे, वहाँ पे मैसेज ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए दोस्तों, आप जो प्रोसेस देखते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में न्यू या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी मस्ट ज्वाइन कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आपको इस वेबसाइट में आना होगा, ये जो है आपको कॉलेज के वेबसाइट में भी कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये चीज जो है यहाँ पे गलत किया है, यहाँ पे जो है ऑप्शन देना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट का, लेकिन यहाँ पे जब वेबसाइट में आएंगे ऑफिशियल वेबसाइट कॉलेज का, तो कहीं भी पेमेंट वगैरह का जो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो है लिंक मैं आप लोगों को डायरेक्ट प्रोवाइड करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इस क्लिक करके इस वेबसाइट में आ सकते हैं कि सब पैसा गेटवे के थ्रू जो है पेमेंट होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे आपको तीसरा ऑप्शन है ट्यूशन सेमेस्टर 2 ऑनलाइन फी पेमेंट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिलअप द फॉर्म का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर मांगा जा रहा है और ये जो कैप्चा है वो यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको अपना जो है यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना है, याद रखें कॉलेज रोल नंबर नहीं डालना है, आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा पे डाल के आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे ऑप्शन एक कुछ यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और ऐसा इंटरफेस देखने मिले, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ ओके कर देना है। तो जैसे पे ओके करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बाहर आ गया है, तो यहाँ पे अगर ऐसा आता है तो फिर से यहाँ पे आपको क्लिक करके करना है। तो चलिए मैं आगे प्रोसेस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका प्रोसीड होगा तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो है फॉर्म आपको जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो डिटेल दिखेगा, पहला जो इंस्टीट्यूट रोल नंबर दिखेगा, सेशन दिखेगा, आपका नाम दिखेगा, सेमेस्टर दिखेगा और फी दिखेगा कितना आपको फी पेमेंट करना। तो यहाँ पे 1300 रुपया है क्योंकि तो सभी को जो है 1300 रुपया पेमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से यहाँ जो है आपका जो प्रूफ भी यहाँ पे आपको शो करेगा और नीचे यहाँ पे आपको जो है टर्म एंड कंडीशन पे आपको बॉक्स पे टिक करना है। जैसे इस पे टिक करेंगे तो प्रोसीड का जो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्रिंट करके इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। उसके बाद प्रोसीड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पेमेंट का यहाँ पे जो है गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपको पेमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, कार्ड स्कैन क्यूआर नेट बैंकिंग और कैश एंड अदर। तो यहाँ पे जो है आपको अगर स्कैन क्यूआर कोड करेंगे तो यहाँ पे कुछ चार्ज करते हैं, जैसे 1300 है तो 1400 रुपये यहाँ पे चार्ज कटेगा, 1300 से 1400 आपको कटेगा। अगर आपको यहाँ पे कार्ड से करते हैं तो कार्ड से यहाँ पे कोई चार्ज आपको नहीं कटेगा, जितना अमाउंट है 1300 उतना ही आपको कटेगा। तो यहाँ से जो है आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज करके यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी एक्चुअल किसी स्टूडेंट का पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पेमेंट करके आपको नहीं दिखाऊंगा। आप यहीं से भी पेमेंट जैसे करेंगे तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे पेमेंट करेंगे तो एट ए टाइम आपको वहाँ पे रिसिप्ट मिलेगा और उसी टाइम आपको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट कर लेना है, क्योंकि बाद में जो है इसका कोई ऑप्शन नहीं रहता है रिसिप्ट डाउनलोड करने का। ट्रांजेक्शन स्लिप आपको मिल जाएगा हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। आपको अगर सब पैसा का ट्रांजेक्शन स्लिप आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, प्रोसेस मैंने वहां पे बता दिया है वीडियो में, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको ट्रांजेक्शन स्लिप मांगा जाता है तो। नहीं तो इसको जैसे पेमेंट करेंगे तो आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, उस रिसिप्ट को लेके अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं। दोस्तों तो ये था प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। आप देख लें कोई भी कंफ्यूजन हो प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करेंगे, अपने फेस को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।